अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, इस ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सब लोग स्कूल जाते हैं ना, बहुत अच्छी बात है। सभी बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। स्कूल में बच्चों आप लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाई जाती है ना। और साल के आखिर में जब हमारा एकेडमिक ईयर पूरा हो जाता है तब हमसे क्या लिया जाता है बच्चों? जी हाँ, सही समझे आप लोग, एग्जाम लिया जाता है ना। उस एग्जाम में हमसे बहुत सारे सवालात प्रश्न पूछे जाते हैं जिनके जवाबात हम पर्चे में लिखते हैं, है ना। इसी तरह बच्चों जब हम हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं और उसके बाद कोई सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं, कोई अधिकारी बनना चाहता है, तो उसके लिए बच्चों हमारे देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम लिया जाता है। जी हाँ, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, फॉर एग्जाम्पल एमपीएससी का एग्जाम है, यूपीएससी का एग्जाम है, इस तरह से नौकरी के हिसाब से अलग अलग एग्जाम लिए जाते हैं। और जो इन एग्जाम में क्वालिफाई होता है फिर उसे सरकारी नौकरी मिलती है। इसी तरह बच्चों इन जनरल नॉलेज इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर बहुत सारे सवालात होते हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं उसके अंदर, है ना। उन्हीं में एक सब्जेक्ट, एक विषय होता है जनरल नॉलेज का विषय। जी हाँ, जनरल नॉलेज अर्थात सामान्य ज्ञान। इन सामान्य ज्ञान में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, चांद पर सबसे पहले कौन गया, बिजली का बल्ब किसने ईजाद किया, टेलीफोन किसने ईजाद किया, आबादी के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क कौन सा है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए हैं, शिक्षक दिन कब मनाया जाता है, इस तरह के प्रश्न जनरल नॉलेज या सामान्य ज्ञान के प्रश्न कहलाते हैं। तो बच्चों आज हम आपकी छठी कक्षा हिंदी की दूसरी इकाई से जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है क्या तुम जानते हो।